cero. चुनाव के बहिष्कार की ये तस्वीरें हैं आगर मालवा जिले के ग्राम पंचायत चकबड़ा बीड की, जहां के कुछ गांवों के ग्रामीणों ने इस बार चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया है। ग्रामीणों का मानना है कि काम नहीं तो वोट नहीं। लोगों का कहना है कि हर बार सड़क पुलिया बनाने के वादे किए जाते हैं, लेकिन ये वादे सिर्फ चुनावी जुमले ही साबित होते हैं, कभी कोई काम नहीं होता। ग्रामीणों का कहना है कि गांव से काम या फसल बेचने के लिए जिला मुख्यालय जाना हो तो 14 किलोमीटर का लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। गांव से 7 किलोमीटर कानड़, फिर 7 किलोमीटर बागरी खेड़ा होकर जिला मुख्यालय आगर पहुंचना पड़ता है। अगर रायपुरिया गांव में सड़क पुलिया बन जाती है तो ये सफर गाँव वालों के लिए आधा हो जाएगा। वहीं बारिश के मौसम में स्कूली बच्चों को भी जो मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, सड़क पुलिया बनने से वो मुश्किलें भी खत्म हो जाएंगी। चरण का मतदान होना, ऐसे में देवास शाजापुर लोकसभा का 13 मई को मतदान होगा। हम खड़े हैं कानड़ से 7 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत चकबड़ा बीड के रायपुरिया में। यहाँ पर ग्रामीणों की मांग है कि ग्राम पंचायत रायपुरिया से लेकर धंडेरा तक की सड़क की मांग कई बार पिछले दशक से की जा रही है, लेकिन यहाँ पर विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधि भी सब आते हैं और हमारे से वादा करते हैं, लेकिन हमारे जो काम है उसको पूरा नहीं करते। उनका ये कहना है कि अगर हम जब सड़क बनने के बाद हमें ये फेयर कम बढ़ जाएगा, अगर ये फेयर कम होता है तो निश्चित रूप से हमारा समय बचेगा, राशि बचेगी, कई तरह की समस्याओं से निजात मिलेगा, क्योंकि इन्हें 14 किलोमीटर दूर फेयर होकर इनको आगर जाना पड़ता है। ऐसे में लंबा सफर तय करने के बाद इनको समय की भी परेशानी होती है। अब हम यहाँ ग्रामीण खड़े हैं, इनका कहना है कि जब तक के हमारी जो मांग है उसको पूरा नहीं करेंगे हम, जब तक उसमें 13 मई को मतदान नहीं करेंगे, क्योंकि आगर लोकसभा देवास शाजापुर लोकसभा में आगर में 13 मई को मतदान होना है। ऐसे में हम ग्रामीणों से चर्चा करेंगे कि आखिर क्या मांगे और उन्होंने ये निर्णय क्यों लिया बहिष्कार का। क्या नाम है आपका? क्या परेशानी आप लोगों को जो चुनाव का बहिष्कार करना है? अरे कई बार आ गए और वादा करके चले जाते हैं कि हम वोट दे दो और या बस जीतने के बाद में एक महीने बाद तुम्हारा काम। वादा कौन कौन करता है? सभी में कौन विधायक वगैरह सामने विधायक सांसद जो आते हैं सभी करते हैं। अच्छा, तो क्या परेशानी है आपको? मतलब नालों है, नाला है पुलिया, तो रायपुरिया से डंडेड़ा जाने के लिए पूरी चकबड़ा बीड पंचायत परेशान है और उधर से पालड़ा पंचायत भी परेशान है। अच्छा, तो इसके लिए 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, जिसके बाद में कानड़ होके आगर और आगर जाओ तो कानड़ होके आना पड़ता है। अगर के लिए रास्ता नहीं और डंडेड़ा की बच्चों मिडिल स्कूल के लिए वंचित रह गई है क्योंकि बारिश में पानी गिर रहा है। क्या परेशानी आपसे? परेशानी ये है कि हमारा गांव में जितनी बार वोट हुए हमने समस्या बताई, समस्या का सल नहीं हुआ, तो बंटी उंटवाल जी को, मनोज जी को, नितिन वानखेड़ी जी को, सब ने रोड का टाइम है, वोट का टाइम है, वो सर्वे कर देते हैं 2-3 दिन के लिए, फिर बंद कर देते हैं। अब मधु गहलोत जी ने भी किया था, ये भी इन्होंने बोले रुकेंगे अभी तो फिर काम करेंगे, तो काम हुआ नहीं सर। और झंडेड़ा से सर हमारे बच्चे आते हैं, बारिश आते हैं तो हमको आने की दिक्कत आती है। क्या नाम है आपका? क्या परेशानी गांव में आपको? क्या क्यों बहिष्कार कर रहे हैं आपके बात करिए सर? जो खाल की नहीं है, अच्छा झंडेड़ा से रोड है, रोड से जाता है वादा किया। इनकी जो परेशानी अहमदाबाद है पिछले कई दशक से मांग कर रहा है कि जो धंडेड़ा और रायपुर की जो ऐसे में अगर वो सड़क बनती है तो निश्चित हमारे को मतलब आगर जो जिला वहाँ जाने में भी कोई परेशानी नहीं होगी, ऐसे में बच्चों को जो शिक्षा मिलने की होगी समय पर मिलेगी। इनकी ग्रामीणों के भविष्य का एक प्रमुख कारण है। आगर मालवा से पंजाब केसरी के लिए सैयद जाफर हुसैन। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।